भारत बंद के आह्वान का नगर में दिखा असर, दुकानें रही बंद। संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से हाथ जोड़कर किया निवेदन। पार्टी कृषि कानून के खिलाफ वो महंगाई के विरोध में भारत बंद के ऐलान का नगर में दिखा असर। नगर में सोमवार को सभी दुकानें बंद रही, साथ ही कुछ दुकानें खुलने की सूचना जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से हाथ जोड़कर निवेदन किया और दुकानें बंद कराई। इसी बीच विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन समय रहते समर्थन करते हुए दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली। इस बीच सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी चौराहे पर मुस्तैद रही। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता हर सिंह जमरे ने बताया कि देश में तीनों नए कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों से पारित हुए एक साल से ज्यादा हो गया और इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे। उनके साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे, साथ ही बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में भी प्रदर्शन जारी है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया था। भारत बंद के ऐलान को सफल बनाने के लिए पार्टी में जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने पार्टी बोकराटा व गंधावल में माइक से मुनादी कर भारत बंद के आह्वान का समर्थन कर नगर बंद रखने का आह्वान भी किया था, जिसका समर्थन करते हुए पार्टी बोकराटा और गंधावल में दुकानें बंद रही। सूचना के अभाव से कुछ लोग अपने काम के लिए बाजार में पहुंचे, लेकिन बाजार बंद देकर वापस अपने घर लौटे। हमने जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में 10 महीने से बैठे हैं, 550 संगठन और 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन 2014 में जो सत्ता में सरकार आई थी तो सरकार उसने घोषणा पत्र में लिखा था कि 24 फसलों का हमने 1.5 गुना भाव देंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, महंगाई दूर करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी के बजाय बेरोजगार गुजरात महाराष्ट्र जाने की स्थिति में आ गए और बहुत सारे युवाओं ने डिग्री लेके बैठे हैं और बहुत सारे युवाओं ने आत्महत्या किया है, इसी 3 काले कानून उसको रद्द किया जाए। गैस सिलेंडर फ्री में बांटा, लेकिन दोबारा लोगों को गैस सिलेंडर दुकान के पहुँचने का हमें आना नहीं पड़ा, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई और हमारे छोटे व्यापारी और छोटे किसान, छोटे दुकानदार ये क्या करेंगे। अगर अडानी यहाँ के कपास, गेहूँ, राशन ये सब खरीदेंगे तो गरीब लोग का है 1 रुपये किलो अनाज, तो ये सब सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि किसानों से 1975 सरकार खरीद रही, लेकिन आज की स्थिति में हमें 1400-1500 रुपये गेहूँ बेचना पड़ रहा। अगर किसान को सही दाम मिले और सही भाव मिले तो किसान खुशी खुशी अपना फसल पैदा करेंगे, तो किसान की जो मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो ये राशन आटा मिट्टी ख़त्म हो जाएगा और ये किसान का भाव भी चले जाएंगे, राशन भी चले जाएंगे और सरकार ऊपर से बोलेगी तुमको नगद देंगे, तो नगद देने में जो तोलने वाली की जो स्वयं सेलक है उसकी नौकरी चले जाएगी और जो जमाखोरी में जो छोटे व्यापारी है जो 4 क्विंटल माल खरीदते हैं वो तो अडानी खरीदेंगे, 1000 टन में खरीदेंगे, अभी पाबंदी ख़त्म हो जाएंगी तो ये छोटे व्यापारी भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये किसानों का माल ख़त्म होने के बाद वो आखिरी में उनका फसल वो निकालेगा तो 3 गुना 4 गुना भाव बेचेंगे, तो छोटे ये दुकानदार है, छोटे उपभोक्ता है, वो तो इनका जीने का कोई रोल ही नहीं रहा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, उनका अडानी का भाव रहेगा तो उनकी मनमर्जी का कंपनी भाव तय करेगा, तो ये तो सरासर गलत है। इसलिए लोगों को लग रहा, व्यापारी भी लग रहा कि किसानों का साथ दे और किसान से हम जुड़े हैं, और किसान है तो शहर चलता है, मजदूर है तो शहर चलता है, अगर मजदूर नहीं है तो शहर चलता ही नहीं।